दो बच्चे हैं हमारे। दो बच्चे हैं, इनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? शादी को वही साल साल 1.5 साल बाद हम यहाँ आए थे घूमने नानी के वहाँ। सिचुएशन सर ऐसी आ गई थी ना कि उसमें अब यही करना उचित था, इसलिए अगर ये नहीं करता तो दो जाने चली जाती, ये उल्टा सीधा कर सकती थी तो उसके जिम्मेदार कौन होता? हम होते। और हमने गलती किया था, प्यार किया था, और प्यार करने के बाद अगर हम किसी को धोखा दें तो ये गलत है, इसलिए हमने कहा कि हमको धोखा देना आज तक सीखे नहीं। और रही बात माँ बाप की, तो माँ बाप को हम मना लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, पैर पर गिर जाएंगे तो माँ बाप मान जाएंगे। तो बस ये जो बता रहे हैं, डर लग रहा था इनको कि आप कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लें। हाँ सही बात है। और हम इनसे बोले भी थे अगर ये नहीं हमको मिलेंगे तो हम जान भी दे सकते हैं। नहीं मतलब घर वाले माहौल से डर रहे थे कि माहौल इतना खराब है कहीं हम भी ना बिगड़ जाएं, इसलिए घर वालों ने शादी करवा दी। लेकिन आप बिगड़ने से नहीं माने। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ जनपद में, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। आए दिन तमाम आप ऐसे मामले देखते होंगे, सुनते होंगे सोशल मीडिया के जरिए, खबरों के जरिए, प्यार मोहब्बत के मामले। मैं आपको बता दूं कि प्यार एक ऐसी चीज़ है, कब हो जाए और किससे हो जाए, किस उम्र में हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। ऐसा ही एक मामला है मऊ जनपद का, जहाँ पर एक हिंदू समुदाय के लड़के से एक दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार तो होता है, लेकिन उसके पहले की भी कहानी है कि उस युवती की पहले शादी भी हुई थी, दो बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी प्यार हो जाता उनको। क्या नाम हुआ आपका? नेहा नाम है। अभी आपने नेहा रख लिया नाम। हिंदू समुदाय के लड़के हैं ये। क्या नाम आपका? पवन चौहान। पवन चौहान जी हैं। पवन चौहान जी से शादी करने के बाद अब इन्होंने अपना नाम बदल लिया, नेहा चौहान हो गई है अब ये। पहले आपका क्या नाम था? पहले नाम नगमा था हमारा। नगमा, नगमा जी अब बन चुकी हैं नेहा चौहान। पहले आपकी शादी कब हुई थी? मेरी पहले शादी हुई थी बाराबंकी हुई थी, वहाँ पे शादी। कितने साल पहले? अरे हो गए शादी को 5 साल हमारी। 5 साल यानी मैं कहूँ तो 2017 में तकरीबन। हाँ 2017 में हुई थी। कहाँ रहने वाली, कहाँ की हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। मऊ की है। शादी कहाँ हुई थी आपकी? बाराबंकी हुई थी। बाराबंकी हुई थी। तो बच्चे बच्चे भी हैं आपके? दो बच्चे हैं हमारे। दो बच्चे हैं, इनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? शादी को वही साल साल 1.5 साल बाद हम यहाँ आए थे घूमने नानी के वहाँ। अच्छा, आपका नानी का घर हाँ, है यहाँ इस? हाँ इसी मतलब इनके घर के सामने है। हाँ हाँ। तभी मतलब अफेयर हो गया था इनसे। तो शादी होती तो हुई थी ना, फिर शादी के बाद अफेयर किस तरीके से? मतलब इनको देखते थे। चले अब इस समय तो आप शर्मा रही है, शायद उस समय आप का शर्माना ही इनके दिल को कहीं ना कहीं घायल कर गया है। क्यों जनाब? जी सर। तो उसी समय से आप लोगों का, दोनों लोगों का चक्कर चलना शुरू हुआ? जी। जी कब तक चला ये चक्कर? तब से 1 साल इनको शादी को हो चुकी थी, लगभग 3.5 साल तक। बातचीत उसी दौरान से शुरू हो गई थी आप लोगों की? जी हा? जी। और उस समय आपने नहीं इरादा बनाया कि शादी कर लेते हैं? उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? 20 है, तो वही रही होगी, वही लगभग 18 19 रही होगी। 19 कहाँ से रही होगी महाराज, आप 4 साल पहले मिले थे। 3.5 साल, 16 साल उम्र रही होगी। 16 साल की उम्र में इनको प्यार हो जाता है नगमा जी से। तब अब आपकी कितनी उम्र है? हमारी अब है 20 साल। अब 20 साल है, और 16 साल में ही इसका मतलब आपका शादी भी कम उम्र में हो गया? 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। क्यों, क्या वजह थी? उनसे भी कुछ ऐसा कुछ था या नहीं? मतलब घर वाले माहौल से डर रहे थे कि माहौल इतना खराब है कहीं हम भी ना बिगड़ जाएं, इसलिए घर वालों ने शादी करवा दी। लेकिन आप बिगड़ने से नहीं माने। माहौल खराब था, परिवार को ये डर था कि कहीं ये बिगड़ ना जाए, लेकिन इनका बिगड़ना तो तय था, ये बिगड़ गई वाकई में, और अपने पति को छोड़कर आज अपने जिनसे इन्होंने प्यार किया उनके साथ हैं। बच्चे कहाँ हैं आपके, ये हमको बताइए? बच्चे बाराबंकी में। बाराबंकी हाँ, में अपने पापा साथ के साथ था। अपने पापा के साथ है। हाँ। वो आपको मतलब ये नहीं लगता कि हमारे बच्चे थे, हमने उनको पैदा किया था, तो फिर वो दूसरे के साथ हैं अब? हाँ, अपने बच्चों का जैसे कहते हैं ना कि गांव की भाषा हाँ, में हाँ, मैं लगा था। बहुत मैं तो लग रही थी, लेकिन अब उन्होंने मांगा तो दे दिया। हम बोले भी थे बच्चे हमें दे दीजिए, फिर भी उन्होंने नहीं दिया। उनको कब पता चला आपके बारे में, आपके प्यार के बारे में? उनको मतलब जब से हम प्यार स्टार्ट किए तब से उनको पता था, इसलिए वो बोलते भी थे कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो हमने बोला भी था कि छोड़ दीजिए। उसी समय वो बोले थे कि हम आपको छोड़ देंगे? हाँ, लेकिन छोड़ते नहीं थे, बस बोलते थे। तो फिर अब कैसे छोड़ दिए, क्या फिर बात हुआ? आप मतलब इनके साथ हम भाग गए थे ना। अच्छा। तो इनको पता चल गया तो इसलिए इन्होंने छोड़ दिया हमें। अभी क्या कहते हैं, अभी कुछ पता चला आपको उनके बारे में, क्या कुछ कहते हैं आपको वो? अभी तो नहीं पता। बच्चा लेने आए थे वो यहीं पर? हाँ, बच्चा लेके डिवोर्स वोर्स दे के गए थे। डिवोर्स कब दिया आपको, शादी के बाद या शादी के पहले? नहीं, जिस दिन भागे तो उसी दिन डिवोर्स दे दिए थे।
अच्छा डिवोर्स तो हाँ। आपको मिलकर ही दिए होंगे? हाँ डिवोर्स दिए थे तब हम भागे थे इनके साथ। और क्या परिवार के लोग आपके नानी के नानी का घर है यहीं पर? हाँ, ये सामने नानी का घर है। सामने है, इनके घर के सामने ही नानी का घर है। आपके नानी के घर वाले क्या कहते हैं? वो लोग को मतलब कोई वो नहीं, इतराज नहीं है, बोलते जहाँ तुम खुश रहो बस। तो जब आप शादी कर रही थी उस समय आपके नानी के घर वाले उस समय थे? हाँ थे, मामू बस अब्बू नहीं थे, बाकी सब पूरी फैमिली थी। मतलब सारे लोग राजी खुश? हाँ, कोई परेशानी नहीं कोई है? कोई परेशानी नहीं, किसी को नहीं है। हाँ। आपको भाई साहब आपके परिवार के लोग 16 साल की उम्र में आप प्यार कर लिए, 20 साल की उम्र में आपने शादी कर ली जी, आपके परिवार के लोग क्या कहें? क्या मेरे घर वाले मेरी खुशी के लिए राजी हुए कि चलो ठीक है, जब उसी से करना चाहते तो उसी से कर लो। आपके परिवार को पहले से पता था कि नहीं, आपका इनके साथ ऐसा कुछ चक्कर है? नहीं, क्योंकि आज से 16 साल की उम्र थी तभी से आपका इनका चक्कर है, 4 साल पहले से? नहीं नहीं, तब मुझे तो पता चला था। कब पता चला परिवार को? जब आप लेकर भाग गए इनको तब? जी। हाँ जी। क्यों ऐसा कदम आपने उठाया, परिवार से क्यों बात नहीं की आप? अगर आज परिवार आपका राजी है इस चीज़ को लेकर, अपने परिवार से आपने बात किया था? सिचुएशन सर ऐसी आ गई थी ना कि उसमें अब यही करना उचित था, इसलिए अगर ये नहीं करता तो दो जाने चली जाती, ये उल्टा सीधा कर सकती थी तो उसके जिम्मेदार कौन होता? हम होते। और हमने गलती किया था, प्यार किया था, और प्यार करने के बाद अगर हम किसी को धोखा दें तो ये गलत है, इसलिए हमने कहा कि हमको धोखा देना आज तक सीखे नहीं। और रही बात माँ बाप की, तो माँ बाप को हम मना लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, पैर पर गिर जाएंगे तो माँ बाप मान जाएंगे। तो बस ये जो बता रहे हैं, डर लग रहा था इनको कि आप कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लें। हाँ सही बात है, और हम इनसे बोले भी थे अगर ये नहीं हमको मिलेंगे तो हम जान भी दे सकते हैं। हाँ ये मामला था। हाँ तो क्या चाहती हैं आप, वो बच्चों को आप फिर से लेना चाहती हैं या फिर बच्चे? नहीं, अब उनके पास है तो उन्हीं के पास रहे। हाँ अभी आप लोग खुशी हो, आपको कोई समस्या नहीं? आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके समाज से कोई दिक्कत आपको? नहीं कोई परेशानी नहीं है। चुप रहिए, क्या मामला बताइए ना, क्यों कान में उनके? कोई मामला नहीं, वो पर्सनल बात थी थोड़ी। तो पर्सनल बात तो अभी कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या कुछ बात थी इसे बताएंगे आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, नहीं वो थोड़ी अपनी लाइफ पर्सनल बातें। क्या बात है, क्या कुछ अगर सामने अगर कुछ सवाल रहा होगा तो बताएं? नहीं, बहुत दिक्कत होगा हम लोग को क्यों आगे क्यों क्यों आपको डर लग रहा है कि आगे दिक्कत होगा? डर वाली बात नहीं है, इसका कुछ डॉक्यूमेंट था, आधार कार्ड था, कुछ जो डॉक्यूमेंट था पर्सनल, तो इसे इसके मामू या इसके अम्मी ले लिए, वही देने के लिए राज नहीं हो रही है, 3 पास कर रही है सब, उसी के लिए वही, और कोई दिक्कत? डॉक्यूमेंट का मामला है आपके? अच्छा आपकी मम्मी क्या कह रही थी? मम्मी बोल रही की सारा जला दी, और मामू बोले हमने जलाया नहीं है। मम्मी क्या कह रही थी इनके साथ, कह रही की आप इनके साथ रहो? हाँ मम्मी बोली तुम रहो पर हमसे मतलब नहीं है, तो हमने बोल भी दिया की ठीक है तुम मतलब नहीं तो हमें भी नहीं है। मांग रही थी अपना डॉक्यूमेंट की, मेरा दे अब नहीं, आपको अपने मम्मी पापा से नहीं मिलना है, बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको? नहीं। हाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जैसे कि बच्चों का मैंने बताया कि बच्चों की भाई याद आए फिर मम्मी पापा के, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, जब घर वालों को हमसे मतलब नहीं तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, उनका कहना है कि तुम कहीं मर जाओ हमसे मतलब नहीं है, बस तुम खुश रहो। ऐसे मामले तमाम आपको देखने सुनने को मिलते हैं खबरों से, सोशल मीडिया के जरिए। वैसे ये एक मामला था ये मऊ जनपद का, पूरी कहानी आपको पता चल गई होगी कि 16 साल की उम्र इनकी थी उस समय, 16 साल की इनकी उम्र भी थी, शादी इनकी ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार होता है और 4 साल के बाद ये लोग कदम उठाते हैं, घर से भाग जाते हैं, और घर से भागने के बाद शादी कर लेते हैं। इनके पास 2 बच्चे हैं, और जो दोनों बच्चे हैं वो इनके जो पहले के पति थे वो उनके पास हैं। पहले ये नगमा हुआ करती थी, अब ये नेहा चौहान बन चुकी है। परिवार से आप लोगों को अब कोई समस्या नहीं या फिर किसी और से कुछ? नहीं अब कोई परेशानी नहीं है, अब सही हम लोग हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी कहाँ किया आपने फिर, कहीं मंदिर वगैरह में? मंदिर में, शिवालय मंदिर में। प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे होंगे? पूरे गांव समाज वाले ने कराया, आपके गांव ने? हाँ चेयरमैन थे, मेंबर थे, सब लोग थे, वकील थे, सब लोग थे, सारे लोगों ने मिलकर शादी कराया, कोई आपत्ति नहीं किसी? हमारे फैमिली के भी लोग सब थे, मामू मुँह सब थे, भाई सब, बस अब्बू नहीं थे, बाकी पूरी फैमिली थी हमारी। आपके मामू ने नहीं पूछा कि क्यों छोड़ रही हो उनको? मामू सब कुछ जान गए थे कि मतलब ये प्यार व्यार का मैटर, सब कुछ जान गए थे, उन्होंने खुद पूरा सपोर्ट किया था। हाँ बोला बेटा तुम जहाँ रहना चाहती हो बस खुश रहो। बातचीत के दौरान इन्होंने ये भी बताया कि इनकी कम उम्र में शादी हो गई थी, आप समझे तो नाबालिग थी ये, 15-16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। घर वालों को ये डर था कि ज़माने के हिसाब से
जो समाज हमारा आज इस तरीके का हो गया है, इस डर से इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी, लेकिन जो जो इनके परिवार को डर था उन्होंने उस चीज़ को इन्होंने कर ही दिया और इन्होंने प्यार कर लिया और फिर दूसरे के साथ इन्होंने शादी भी कर ली। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी बताइएगा जरूर इनके प्यार के बारे में, इनकी शादी के बारे में आप लोगों का क्या नज़रिया है, किस तरीके से आप लोग सोचते हैं, कमेंट के जरिए आप लोग जरूर बताइएगा।